नमस्कार, मैं गायत्री हाउ टू मेक में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मैसूर पाक। मैसूर पाक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप बेसन, 1 कप शक्कर ली है, 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने ऑयल लिया है, घी लिया है 1 कप। ये जो मेरा नाप है कप का, यही मैंने बेसन और शक्कर भी ली है। यहाँ पर मैंने इलायची पाउडर लिया है और बादाम लिए हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने पानी रखा है। सबसे पहले हम चाशनी बना लेते हैं, इसलिए मैंने शक्कर डाल दी पैन में और मैं पानी इतना ही लूँगी जो एक तार की चाशनी बन जाए। गैस को ऑन कर देते हैं। यह हमारी चाशनी बनती है एक तार की। यहाँ हमारी एक तार की चाशनी बनती है जब तक हम घी और तेल को एक साथ गर्म कर लेते हैं। इसे अच्छा गर्म करना है, इसमें से धुआं निकलेगा तभी हमको इसमें इसको यूज में लेना है। यहाँ मैंने घी गर्म होने रख दिया है, इसमें अच्छा अच्छा धुआं उठना चाहिए तभी हम इसको यूज में लेंगे। ये हम चेक कर लेते हैं चाशनी को। ये आप देखिए, एक तार की चाशनी बन गई हमारी। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके बेसन डालूंगी। ये बेसन मैंने छान के रख लिया था। गैस को कम पे रहने देना है। इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसे हमें थोड़ी देर इसमें अच्छे से पकाना है। इधर हमारे घी भी गर्म हो गया है। यहाँ मैं इलायची पाउडर डाल दूंगी। ये घी भी गर्म हो गया हमारा, ये देखिए इसे धुआं उठना चाहिए इसमें। अब इसमें हम इसे डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसे अच्छे से मिक्स करना है। फिर से हमें इसे डालना है। इसको घी को इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर से डालेंगे। फिर से डाल देंगे। इस तरह से इसमें झाग आ जाएगा, अच्छे से ये पक जाएगा। अब पर जितना घी आपने लिया था पूरा इसमें डालेगा। अब इसे सेट होने के लिए रख देंगे। ये जो हमारा एक्स्ट्रा घी बचा था इसे ही मैंने गरम कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा सा और डालूंगी। इसे मैं सेट होने देती हूँ।
ये ठंडा होएगा हल्का सा, उसके बाद हम इस पे कट लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा घी दिख रहा है ऊपर उसे हम अलग निकाल लेंगे। मैसूर पाक जम गया है, अभी इसको हम कटिंग कर लेते हैं। जितने बड़े साइज के हमको पीस चाहिए। ये हमारे मैसूर पाक बन के तैयार हो गए हैं। ये मैंने पीस कटिंग कर लिए हैं। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया अंदर तक इसका।